हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बसंती मुखर्जी के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है होली, इसीलिए आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी होली। तो आज चलिए, अभी तो मैं नहाई हूँ, थोड़ा सा पूजा किए भगवान का आबिर दे के, और उसके बाद खाना वाना बनाए, बना के बाद फिर अभी नहाए हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आज जो है होली के दिन में क्या क्या बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो दिखाऊंगी वह है भात। तो ये देखिए, यहाँ पे भात बनाए हैं, गर्मा गर्म भात। ठीक है, यहाँ पे ये जो है बासमती चावल का आज भात बनाए हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे हम बनाए हैं, ये देखिए, ये है प्याज का पोस्तो, प्याज पोस्तो अभी बनाए हैं ये। और हम बनाए हैं यहाँ पे दाल, ये है मूंग दाल बनाए हैं आज ये। तो ये हो गया मूंग दाल। और यहाँ पे हम बनाए हैं बैंगन, जो है वो नीम के साथ, नीम बैंगन बनाए हैं ये। थोड़ा अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए नीम बैंगन बनाए हैं। और यहाँ पे बनाए हैं हम, ये देखिए पनीर की सब्जी, ये पनीर की सब्जी बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हम बनाए हैं मछली, ये देखिए ये, तो ये है रोहू मछली। तो ये बनाए हैं, क्योंकि दाल बनाए हैं ना, इसलिए इसको थोड़ा सा सूखा सूखा बनाए हैं, ज़्यादा झोल नहीं बनाए हैं। ठीक है, इसमें सब पेटी है सिर्फ। तो यही है आज का मेन्यू। तो अभी हो गया है खाने का टाइम, तो हम लोग अभी बैठ जाएंगे खाने के लिए। उम्मीद है आज का मेनू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो और आप लोग भी कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घर में होली के दिन आज क्या क्या बना है। मेरे घर में सिंपल सा ही मेनू बना है, क्योंकि कल मेरे घर में चिकन बना था, इसलिए आज और चिकन नहीं बनाए, आज मछली बनाए हैं, पनीर बनाए हैं, ये सब बनाए हैं। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में क्या क्या बना है। ठीक है, तो अभी हम लोग खाने बैठेंगे, बहुत जोर का भूख लगा है हम लोगों को सबको ही। तो इसीलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। टाटा बाय बाय। आप सब लोग अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सावधान से रहिएगा। बाय।